लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के भावों के बीच सीएनजी ने भी दिया बड़ा झटका, उसके भी बड़े दाम। देश में पिछले 24 घंटे में 45,000 नए कोरोना मामले सामने आए, 784 केस बढ़े। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए मंत्रियों से की मीटिंग, भूपेंद्र यादव और बीएस संतोष भी वहां पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आज सुबह 3:40 पर हुआ निधन। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों ने 24 घंटे में 5 दहशतगर्द किए ढेर। NEET परीक्षा की तारीख को लेकर वायरल हो रहा फेक नोटिस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बयान जारी कर उम्मीदवारों को सतर्क रहने की दी सलाह। रायपुर में एक बैंक मैनेजर के घर हुई चोरी का हुआ खुलासा, सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पकड़ा गया चोर। लाइमलाइट में रहने वाले बॉलीवुड इंडस्ट्री के कपूर परिवार ने नीतू कपूर के 63वें जन्मदिन पर दी सरप्राइज पार्टी। कोरोना प्रकोप के बीच इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नई टीम का किया ऐलान। रियलमी भारत में 10,000 रुपए के अंदर लॉन्च करेगा 5G स्मार्टफोन। रियलमी के सीईओ माधव सेठ के कहे अनुसार जल्द ही वह मार्केट में होगा उपलब्ध।